Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. Guys, today we'll be starting topic number 4 of section 1, which is types of business organization. Guys, जब हम types of business organizations की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये बात देखनी है कि they are divided into two sectors. Private sector business types होती हैं हमारे पास और public sector की होती हैं. तो अभी जो हम आज अपनी क्लास में शुरू करने लगे हैं, we are going to be starting with our private sector organizations. ठीक हो गया? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में गाइस हमारे पास सबसे पहले आता है सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर वो बिजनेस टाइप होती है व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. एक एक ही आदमी होता है जो इसके अंदर फाइनेंस लगाता है, एक ही आदमी होता है जो बाकी सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और सारा रिस्क लेता है. ठीक है, इसको हम ओनर को सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं. अच्छा गाइस, अब दिस is one of the most famous types of business organizations. Aisa kyun hota hai? The number one reason is isko set up karna bahut aasan hota hai. Theek hai, aapne apna business set up kiya, aapne jo hai ja ke apne business ka naam register karwaya aur you get these things done. Ye choti choti formalities hoti hain, ye aapne karwa li, uske baad you are good to go, aap apna business start kar sakte ho. Lekin saath hi saath जो सोल ट्रेडर होने का एक सबसे बड़ा नुकसान है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. गाइस, हम जब अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी उन बिजनेसेस की होती है जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं. अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर दो बिजनेसेस आते हैं, सोल ट्रेडर्स और जो अगला पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप, ये दोनों आते हैं. अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका जो बिजनेस है वो डूब जाता है, वो बैंकक्रप्ट हो जाता है. आपने बैंक से लिया फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का ना आपने लोन लिया है, आपका बिजनेस डूब गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है ये पैसे वापस करने के लिए. तो अब क्योंकि आपका बिजनेस अनइनकॉर्पोरेटेड है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अब इससे होगा क्या, जो बैंक है वो आपके ओनर के पर्सनल एसेट्स को बेच के अपनी डेट को फुलफिल कर सकता है. ठीक है, आपका घर हो गया, गाड़ी हो गई, ज्वेलरी हो गई, पर्सनल बैंक अकाउंट्स हो गए, बैंक इन सब चीजों को आपसे लेके बेच सकता है अपनी अपने लोन को पूरा करने के लिए. अच्छा एक दफा इसको पढ़ लो. अ बिजनेस हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हेन इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल यूनिट. गाइस, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस और ओनर आर टू सेपरेट पीपल. लेकिन ये सिर्फ होता है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के लिए. अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल दो टाइप्स आती हैं इसमें हमारी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप. ओके, ये दोनों अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं. ओके, मीनिंग दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं. जब एक बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, व्हेन द ओनर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, उसमें होता क्या है फिर कि आपका जो बिजनेस है अगर वो अपने उधार या अपनी डेट पे नहीं कर सकता, तो फिर वो जो लोग हैं जिनके आपने पैसे देने हैं, जिनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, वो बैंक भी हो सकता है, वो सप्लायर्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन, वो आपके बिजनेस के ओनर के पर्सनल एसेट्स को बेच के अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. उसका घर हो गया, उसकी गाड़ी हो गई, उसके पर्सनल बैंक अकाउंट्स वगैरह हो गए, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते वापस, तो द क्रेडिटर्स कैन सेल योर पर्सनल बिलोंगिंग्स. ऑलराइट गाइस, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जो होती है ना, इसका मतलब होता है the owner and the business are two separate people. तो business को आप एक अलग इंसान की तरह ट्रीट करते हो. ठीक है, आप अगर business bankrupt हो रहा है तो आप सिर्फ business के assets को बेचते हो, आपके assets को कोई कुछ नहीं कहता. इससे होता क्या है, owner safeguard हो जाता है basically. ठीक हो गया, but ये सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस की होती है जिसके अंदर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं वगैरह वगैरह. गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसको प्लीज याद रखना,
जब हम सोल ट्रेडर की बात करते हैं, हम कहते हैं ना सिंगल पर्सन सिंगल ओनर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो और वर्कर्स को हायर नहीं कर सकता। एक सोल ट्रेडर और लोगों को हायर कर सकता है, ही कैन हायर अदर पीपल, लेकिन सिर्फ एक बंदा होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, एक बंदा होता है जो बिजनेस को ओन करता है। लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले, इट इज वेरी इजी टू सेट अप बिकॉज देर आर वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। आपने बस अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, उसका नाम रजिस्टर करवाना है वगैरह वगैरह। यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस, आपका जैसे दिल करता है उसको चलाओ, नो वन विल से कि आपने ये गलत किया, आपने ठीक किया, ऐसे करो ऐसे ना करो, इट इज योर बिजनेस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, फ्रीडम बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट शेयरिंग कोई भी नहीं है, यू डोंट हैव टू शेयर योर प्रॉफिट्स विद एनीवन, जितने प्रॉफिट्स हैं वो सारे आपके पास आएंगे, ठीक है। ओनर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है, ही कैन वर्क फॉर हाउ एवर लॉन्ग ही वॉन्ट, जितनी देर दिल करे काम करो, जिस दिन दिल करे छुट्टी कर लो, जिस दिन दिल करता है दुकान पे बैठ जाओ, जितनी देर के लिए मर्जी बैठो, अप टू यू, योर चॉइस। लास्टली, जो ओनर है ना गाइज, बिकॉज ही इज द ओनली द सोल पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस, तो उसके ना अक्सर क्लाइंट्स के साथ नहीं, कस्टमर्स के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। जितने आपके क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, उतनी ही आप ज्यादा अच्छी सर्विस देते हो, उतना ही क्विकली आप उनकी नीड्स और वांट्स के हिसाब से अपनी ऑफरिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं फायदे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज वही है गाइस कि हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका मतलब अगर ओनर अपनी किसी डेट पे डिफॉल्ट कर जाए, अपने किसी लोन पे डिफॉल्ट कर जाए, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आके आपके पर्सनल एसेट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओनर बेचारा क्योंकि अकेला ओनर है, उसके पास अपने आइडिया शेयर करने के लिए, उसके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस देने के लिए इर्द गिर्द कोई पार्टनर नहीं होते, तो ही इज ऑन हिज ओन, सैड लाइफ। उसके बाद द बिजनेस लैक्स कंटिन्यूटी। अच्छा, अब क्योंकि बिजनेस का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस तो है नहीं, बिजनेस की अपनी कोई अलग आइडेंटिटी तो है नहीं, तो जो ओनर है वही बिजनेस है और जो बिजनेस है वही ओनर है, तो अब अगर ओनर डाइज तो द बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस खत्म हो जाता है। अगर ओनर मर गया तो बिजनेस खत्म, ऑलराइट। आफ्टर दैट, एज द ओनर इज द ओनली पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंस, कभी कभी क्या होता है कि यार वो बेचारे के पास कितने ही पैसे होंगे, अब वो अंबानी तो है नहीं, तो एक जो अकेला सोल ट्रेडर होता है उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, एट सम पॉइंट वो पैसे खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि उसके पास थोड़े पैसे हैं तो वो एक्सपेंशन नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता, और क्योंकि उसके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं, बैंक्स वगैरह उस बेचारे को लोन देते नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस छोटा है और उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और पता नहीं कि असल में वो बंदा गरीब हो तो आप बाद में उसके कोई एसेट्स भी ना बेच सको, तो इस तरह के सिनेरियोज में उसके पास जो फाइनेंसिस के सोर्सेज होते हैं वो बड़े थोड़े होते हैं, जिसका मतलब वो ग्रोथ भी नहीं कर सकता। जब वो ग्रोथ नहीं कर सकता तो उससे क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा भी नहीं उठा सकता, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता ही लार्ज बिजनेसेस को है। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। गाइस, पार्टनरशिप के अंदर इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू मेक अ पार्टनरशिप। आप किसी को भी कह सकते हो कि यार आ जाओ हम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वही वाला सिनेरियो होता है। इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनके पास। कुछ कंट्रीज होती हैं जहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, लेकिन जनरली बाकी सारी दुनिया में अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली ही होती है पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स के अंदर क्या होता है, दो लोग आपस में आते हैं, दे स्टार्ट अ बिजनेस, दे रन अ बिजनेस टुगेदर। अक्सर कंट्रीज में इसकी जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 2 to 20, कम से कम दो होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए फॉर इट टू क्वालिफाई एज अ पार्टनरशिप। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि जनाब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शेयर्ड होती हैं, पार्टनर्स ने आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होती हैं, उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगाएगा, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, कौन सा पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ठीक हो गया। ये लोग जो होते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, पैसे लगाते हैं बिजनेस के अंदर और उसको मिलके चलाते हैं, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें भी मसला वही है कि दे लैक कंटिन्यूटी और
जो इनके पास भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, वो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला मसला है। अच्छा, अब गाइस पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं ना, तो देर इज अ थिंग कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। जरूरी नहीं है कि आप करो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओ, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओगे तो ये अच्छी बात है। इट इज प्रेफर्ड दैट यू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनर्स आपस में लिखते हैं, जिसके अंदर सारी इसेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी होती है पार्टनर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि कभी कभी पार्टनर्स का आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है। वो कहता है नहीं मैंने इतने पैसे लेने हैं बिजनेस में से, वो कहता है नहीं भाई इतने तो तुमने इन्वेस्ट ही नहीं थे किए, इससे ज्यादा तुम्हें कैसे मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। इन सब मसलों को रिजॉल्व करने के लिए बिफोर यू गेट इन टू अ पार्टनरशिप, आप एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हो। ठीक है, अब गाइस जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, इसके अंदर ये चीजें आती हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि किस पार्टनर ने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे प्रॉफिट्स में से, प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज किस पार्टनर को मिलेगी, फिर पार्टनरशिप कितने अरसे तक चलेगी, उसके बाद हर पार्टनर को कितनी छुट्टियां अलाउड है, रिटायरमेंट के क्या एग्रीमेंट होगा, और अगर उन्होंने कोई नया पार्टनर ऐड करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये बेसिकली अच्छी चीज होती है, ये अपनी लाइफ में भी आप लोग याद रखिएगा। इफ यू एवर गेट इन टू अ पार्टनरशिप, या अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें, तो इट इज ऑलवेज वाइज टू हैव दीज थिंग्स रिटन आउट इन एडवांस। नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एग्रीमेंट। अच्छा गाइस, पार्टनर्स आपस में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड डिवाइड कर लेते हैं। तो पार्टनर्स क्या करते हैं जनरली, वो बिजनेस के ना फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को पकड़ लेते हैं। एक पार्टनर कहता है कि यार चलो मैं मार्केटिंग को हैंडल कर लूंगा, एक पार्टनर कहता है मैं ऑपरेशंस को हैंडल कर लूंगा, एक पार्टनर कहता है मैं फाइनेंस को देख लूंगा, एक पार्टनर कहता है मैं ह्यूमन रिसोर्स या एचआर को देख लूंगा। तो हर पार्टनर जब एक एक फील्ड पकड़ लेता है ना, तो उनको मौका मिल जाता है कि वो उस एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज कर ले। जिसने मार्केटिंग पकड़ा हुआ है वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाए, जिसने ऑपरेशंस पकड़ा हुआ है वो ऑपरेशंस में और डेवलपमेंट में और जो सप्लाई चेन है उसमें एक्सपर्ट बन जाए, जो फाइनेंस कर रहा है वो फाइनेंस में एक्सपर्ट बन जाए। ओके, सोल ट्रेडरशिप में क्या होता था कि जो एक बंदा है उसी ने सब कुछ करना है, तो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। उस बेचारे को सारा कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन वो किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, उसने बाकी सब चीजों को भी देखना है। अच्छा जी, फिर एक और फायदा ये होता है कि जो बिजनेस है ना उसके अंदर ज्यादा कैपिटल आ जाता है, क्योंकि नाउ देर आर मोर पीपल, तो एवरी पार्टनर इज इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। हर बंदा पैसे लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो देर इज अ चांस कि फ्यूचर में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा भी उठा सको। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लिंक तो ग्रोथ के साथ है ना, इफ यू आर एबल टू ग्रो योर बिजनेस यू आर एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो आपके लॉसेज हैं वो शेयर हो जाते हैं, ठीक है, तो जो लॉस है वो स्प्रेड हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। सोल ट्रेडर में क्या होता था, जितना लॉस है वो बेचारे एक ही बंदे के बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन नाउ द लॉस इज डिवाइडेड। एंड लास्टली जो ओनर है, एक पार्टनर है, वो आपस में मसले डिस्कस कर सकते हैं दूसरे पार्टनर के साथ, और दे कैन कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस, वो मिलके कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। गाइस सबसे पहला डिसएडवांटेज इज सेम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स के पास भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इफ दे गो बैंकरप्ट तो जो बैंक है या उनके जो क्रेडिटर्स हैं, दे कैन सेल देयर पर्सनल एसेट्स। गाइस देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, तो ओनर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो क्या होता है, अगर एक पार्टनर मर जाता है तो उससे क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, इफ वन पार्टनर डाइज तो आपकी सारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फिर आपको एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ता है और उसको दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब ये मसला दोनों में, सोल ट्रेडर में भी ये मसला है और पार्टनरशिप में भी मसला है, बिकॉज ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं, दे डोंट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रॉफिट्स की शेयरिंग होगी। जब प्रॉफिट्स डिवाइड हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो हर पार्टनर के पास कम शेयर आएगा। एक सोल ट्रेडर के पास ज्यादा पैसे आते थे, पार्टनर के पास कम पैसे आएंगे। उसके बाद देयर माइट बी ए चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनर्स की आपस में डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, हो सकता है वो आपस में लड़ पड़े।
दैट इज वेरी हाईली पॉसिबल. एक पार्टनर कह रहा हो हमने इस तरह करना है, दूसरा फंस जाए ओके नहीं हमने इस तरह नहीं इस तरह करना है, तो देर कैन बी प्रॉब्लम्स. लास्टली अ सोल ट्रेडर माइट लूज कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, पहले मुझे आदत है अकेले काम करने की, ड्यू टू द शॉर्टफॉल ऑफ कैपिटल अगर मुझे पार्टनर ऐड करना पड़ गया है तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा. नाउ द पर्सन हु इज माई पार्टनर उसका भी कंट्रोल आ जाएगा, तो मेरा जो अकेले का कंट्रोल होता था वो खत्म हो जाएगा अगर मैं एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ जाऊं. गाइज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप. गाइज ये जो पार्टनरशिप होती है ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, इसको LLP भी कहा जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ओके ये कुछ कंट्रीज में होती है, सिर्फ थोड़ी सी कंट्रीज हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर आपके पास ऐसी पार्टनरशिप की टाइप्स होती हैं विच हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. इसका क्या मतलब होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का गाइज मतलब ये होता है कि द ओनर्स विल ओनली लूज जितना उन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है. क्यों? क्योंकि नाउ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, बिजनेस एक अलग लीगल एंटिटी है, तो इन द आईज ऑफ द लॉ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन, अलग है वो अपने ओनर्स के साथ. ठीक है. अच्छा अब गाइज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो होती हैं या वो कंपनीज जिनके पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है ना, उनका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होता है कि द ओनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरा फायदा ये होता है कि जो कंपनी है इट एग्जिस्ट्स इवन इफ वन पार्टनर डाइज. क्यों? क्योंकि नाउ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन, बिजनेस को इन द आईज ऑफ द लॉ एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. ठीक हो गया. विच इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स. तो ये वाली पार्टनरशिप बहुत कम कंट्रीज के अंदर होती है, बट इट इज देयर. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस वंस अगेन. गाइस इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस वो होते हैं जिनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, विच आर अ सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ. ठीक है. अब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड. अगर वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के बारे में बताएं, तो आप बताओगे पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में जो हम आज पढ़ेंगे. अगर वो आपको कहेंगे कि अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के बारे में बताओ, तो फिर जनरली आप सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बारे में लिखते हो. अच्छा अब बिजनेस के इनकॉर्पोरेटेड होने का क्या क्या फायदा होता है? कई सबसे पहले होता यह है कि जो कंपनी है ना, इट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द ओनर्स, और अगर एक आधा ओनर बेचारा मर भी जाता है तो फिर भी कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. ठीक है. कंपनी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एग्रीमेंट्स अपने बेस के ऊपर, जिसके अंदर हम जो कंपनी है उसके साथ डील कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं. ठीक हो गया. अच्छा फिर जो कंपनी के अकाउंट्स हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द ओनर्स. ओनर्स के अकाउंट्स अलग होते हैं, कंपनी के अकाउंट्स अलग होते हैं. एंड जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं उनके ओनर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. बार बार लिमिटेड लाइबिलिटी का गाइस मैं आप लोगों को इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने देखा होगा कि दोनों जो जब से हम ये टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया, मैं हर थोड़ी देर बाद आपको लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बताता हूँ. लिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी गोज बैंकक्रप्ट तो ओनर के पर्सनल एसेट्स सेफ रहेंगे, और सिर्फ उतने पैसे उसके जाएंगे जितने उसने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं. विल ओनली लूज द अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन द कंपनी. ठीक हो गया. ओके गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस दैट इज इन आवर सिलेबस, जो कि है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. गाइज दीज आर द बिजनेसेस विच आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स गाइज बेसिकली वो लोग होते हैं जो लिमिटेड कंपनीज को ओन करते हैं बाय बाइंग शेयर्स. अब जो शेयर्स होते हैं ना, दीज आर सर्टिफिकेट्स ऑफ ओनरशिप कि भाई आप इस कंपनी में इतने पार्ट के ओनर हो. ऑलराइट. और वो डिपेंड करता है कि आपने कितने ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं. अगर आप मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लो तो आप कंपनी के ओनर भी बन सकते हो. बट शेयर्स बेसिकली रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी. अब गाइस जो लिमिटेड लाइबिलिटी जो सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है ना, दीज आर रन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय शेयर होल्डर्स. अच्छा अब एक मसला है,
अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब है कि आप जनरल पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स नहीं बेच सकते। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली मार्केट होती है, जिस तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है PSX। गाइस यहां पर व्हाट हैपेंस इज यू बाय एंड सेल शेयर्स, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स आप यहां पर नहीं बेच सकते। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स आप सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बेच सकते हो। इसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है LGS, लाहौर ग्रामर स्कूल, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है तो जो ओनर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है कि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है दे विल ओनली लूज दैट अमाउंट, वो उससे ज्यादा पैसे उनके पर्सनल एसेट्स को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हर शेयर होल्डर के पास हर शेयर के अगेंस्ट एक वोट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के 100 शेयर्स हैं और लेट से सरसाद के पास 50 शेयर्स हैं तो सरसाद हैज 50 वोट्स इन द कंपनी। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं कि भाई डायरेक्टर्स कौन होंगे। डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को रन करते हैं, बिजनेस में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। अच्छा, जनरली जो डायरेक्टर्स होते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के, दे आर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स और दे आर द पीपल हु हैव द मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स। तो गाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब हम बात करेंगे हमने कुछ फीचर्स याद रखने हैं। हमने कहना है कि दीज आर द बिजनेसेस विच आर ओन्ड एंड रन बाय शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकते इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये जो बिजनेसेस हैं दीज आर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, जिसका मतलब है शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो उतना ही लूज करेंगे जितना उन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। गाइज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस को देखें तो सब शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी है, जिसका मतलब देन अगेन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ उतना नुकसान होगा जितने उन्होंने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। ओके, सबसे पहली बात ये होगी। उसके बाद द कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, जिसका ये मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो फॉल्टी निकला है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो गया है या कोई भी और मसला हो गया है, तो जो कोर्ट है या जो लोग हैं कंपनी के ऊपर केस करेंगे। ठीक है, द कंपनी विल बी सूड, नॉट द ओनर्स, ओनर्स को कुछ नहीं होगा, कंपनी का के ऊपर केस वगैरह किए जाएंगे सारे। उसके बाद द कंपनी हैज कंटिन्यूटी, मतलब कि अगर एक मेजर शेयर होल्डर या एक मेजर ओनर की डेथ भी हो जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना कंपनी, तो द कंपनी विल कीप ऑन गोइंग। लास्टली गाइस हम कहते हैं कि हम कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं शेयर्स बेच के, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर्स बेच के हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। ऑलराइट, दीज आर द एडवांटेजेस। मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस, गाइस अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें ना, तो इन कंपनीज को सेटअप करने का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि देर आर अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, जिनको आपको फेस करना पड़ता है। अब वाइल यू आर गेटिंग योर कंपनी रजिस्टर्ड, इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आपने पहले रेडी करके देने होते हैं। ये दो चीजें होती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखते हैं कि भाई ये क्या बला है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। गाइस ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं विच कंटेन ऑल द रूल्स जिनके अंडर कंपनी को मैनेज किया जाएगा। कंपनी की मैनेजमेंट कौन होगी, हायरार्की कैसी होगी, कौन क्या करेगा, किस डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज होंगी, जब हमने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, हमने कितनी दफा मीटिंग्स रखनी है कंपनी की साल के अंदर, और जब अगर आपने नए शेयर्स बेचने हैं इफ यू वांट टू इशू न्यू शेयर्स तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ आपको पहले ही बताना पड़ता है। और कई जो लिमिटेड कंपनीज होती है ना इनकी हर साल मीटिंग्स भी होती हैं जरूरी, वो भी इनको अरेंज करनी पड़ती है, जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स आते हैं और उसमें फिर आप बताते हो कि कंपनी की प्रोग्रेस कैसी थी, और उसके ऊपर फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सारी डिटेल शेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ कि आपने जो पैसे दिए हमने ऐसे ऐसे उनको इस्तेमाल किया, और हमने अब लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट ये चल रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, आपके शेयर्स इतने हो जाएंगे, व्हाटएवर दे आर टेलिंग यू।
फिर आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। गाइस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ना कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, जो कंपनी का ऑफिशियल नाम है और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, कंपनी किधर है उसका एड्रेस क्या है, ये वाली सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हर डायरेक्टर के पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी बातें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना हैवी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं बिफोर मेकिंग योर कंपनी और गेटिंग योर कंपनी रजिस्टर्ड। अच्छा बाय द वे ये डेफिनेशंस कभी कभी आ जाती हैं और इनको याद कर लेना। तो भाई पहला डिसएडवांटेज ये हो गया कि बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है। दूसरा हमारे पास आ गया कि आप ना बहुत ज्यादा पैसे नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे तो अपने गुड शेयर्स को बेच नहीं सकते। यू कैन ओनली सेल इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से कितने ही लोगों को बेच लोगे शेयर्स, ठीक हो गया। एंड लास्टली जो कंपनी है ना गाइज, जो लिमिटेड कंपनीज होती है ना उनके कुछ मसले होते हैं। उनके मसले ये होते हैं कि उनको अपने जो अकाउंट्स होते हैं ना कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनको वो पब्लिश करनी पड़ती हैं साल में एक दफा, ठीक है, रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती हैं। और पब्लिक इसको एक्सेस कर सकती है, पब्लिक आपके सारे अकाउंट्स को देख सकती है, तो कंपनी की सीक्रेसी बड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। अगर हम बात करें सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की, उसके अंदर आपको अपने अकाउंट्स कहीं भी पब्लिश नहीं करने होते। बट व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, तो आपको अपने अकाउंट्स रजिस्ट्रार को भेजने पड़ते हैं हर साल, ठीक हो गया। और मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कैन इंस्पेक्ट दीज अकाउंट्स, वो चेक कर सकते हैं अच्छा यार कंपनी के कितने लॉसेज हुए हैं, कंपनी को कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, इन्होंने कितना सामान बेचा है वगैरह वगैरह। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है ना, दे आर वेरी सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लेकिन इनका स्केल बहुत बड़ा होता है, दे आर फॉर वेरी लार्ज कंपनीज। अच्छा अब मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है, वो ये है गाइज कि जिस तरह आपको याद है हमने पढ़ा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर हम पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकते, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज गाइज, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है PSEX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर आप जाके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स कर सकते हैं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और वहां से आप इन शेयर्स को बेच सकते हो और खरीद भी सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय शेयर होल्डर्स, पब्लिक को शेयर्स बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये बड़े बिजनेसेस के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, ठीक है, बिकॉज दे कैन रेज अ लॉट ऑफ कैपिटल। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर यू आर ओनली एबल टू सेल शेयर्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट हियर यू कैन सेल शेयर्स टू द इंटायर वर्ल्ड प्रैक्टिकली। अब जिस तरह पाकिस्तान में बैठ के आप एप्पल के शेयर्स भी खरीद सकते हो, सैमसंग के शेयर्स भी खरीद सकते हो, टेस्ला के शेयर्स भी खरीद सकते हो, तो इट इज अप टू यू, आपने जिस मर्जी कंपनी के शेयर्स जहां से मर्जी बैठ के खरीद लो, आप उनका शेयर खरीदोगे उनको पैसे जाएंगे एंड दे कैन डू एक्सपेंशन नेशनल या इंटरनेशनल, उनकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा गाइस अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन ये है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं दीज आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। नाम में बेशक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है गाइस, लेकिन दीज कंपनीज आर नॉट इन द पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं। इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो हो शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हो। लेट मी शो यू गाइज कि हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है वो कैसी दिखती है। गाइज इस तरह की होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर सेक्टर समरी है, हिस्टोरिकल डेटा है, ग्राफिकल व्यू है। अगर हम सेक्टर समरी के ऊपर जाएं तो ये हमें बता रहे हैं कि जनाब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल पार्ट एक्सेसरी कैसी चल रही है, कंपनी की कंडीशंस क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, लेदर, लीजिंग कंपनीज, रिफाइनरीज। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट कंपनीज है, उन कंपनीज के बारे में हमारे पास डाटा है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल असेंबलर पर अगर हम क्लिक करें तो एटलस होंडा है हमारे पास, अलगाजी ट्रैक्टर्स है, होंडा एटलस कार्स है, इंडस मोटर्स है, मिल्लत ट्रैक्टर्स है, साजगार इंजीनियरिंग है जिनकी
हैवल जिनकी गाड़ी है, तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास कंपनीज के बारे में यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप दोबारा हम जाएं सेक्टर समरी के अंदर और वहां पर हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस फर्टिलाइजर्स, तो ये कंपनीज हैं एंग्रो फर्टिलाइजर्स, फातिमा फर्टिलाइजर्स, फौजी फर्टिलाइजर्स, आरएफ हबीब कॉरपोरेशन, ये वो सब कंपनीज हैं जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं। आप इस पोर्टल पे आके अपना अकाउंट बनाओ और इनके शेयर्स खरीद सकते हो। अब ये देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है किस कंपनी का कितना बेहतर हुआ है आउटपुट। ओके तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा यार आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना। अगर मैं फॉर एग्जांपल फार्मा फर्टिलाइजर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये उनका, ये देख उनका शेयर इज 63.4 रुपीज, पहले से गिरा हुआ है, ये उसके ऊपर सारी उनकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, टोटल उनके शेयर्स ये हैं और फ्री फ्लोट शेयर्स इतने हैं, मार्केट कैप उनका इतना है। ये खैर अभी नहीं आप लोगों को इस काम की जरूरत, ये जब आप लोग जाओगे यूनिवर्सिटी वगैरह में तब आप लोग बड़ी डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक हो गया, इस तरह भाई आपका पोर्टल दिखता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। गाइस लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहला तो गाइस हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपने सिर्फ उतना आप लूज करोगे इन केस ऑफ बैंकरप्सी जितना आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपके पर्सनल एसेट्स आर सेफ। अच्छा जी, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है जिसका मतलब द कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। अब होता क्या है कि क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है तो अगर ओनर्स इवन इफ दे पास अवे कंपनी फिर भी चलती रहती है, और जो ओनर्स हैं और कंपनी है वो अलग अलग होते हैं, उनके अकाउंट्स भी डिफरेंट होते हैं। अकाउंट्स का मतलब बैंक अकाउंट्स वगैरह। ऑलराइट, उसके बाद हम कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है शेयर्स बेच रहे हो जनरल पब्लिक को, आप पाकिस्तान के अंदर भी बेच सकते हो, पाकिस्तान से बाहर से लोग भी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक हो गया, और वही वाली बात प्राइवेट लिमिटेड में तो आपको सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली को बेच सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जिसको मर्जी शेयर्स बेच सकते हो अपने स्टॉक एक्सचेंज पे, जनरल पब्लिक को शेयर्स बेच सकते हो अपने। उसके बाद जो हम कहते हैं क्योंकि जनरली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं दीज आर वेरी लार्ज स्केल बिजनेसेस। अब ये इतनी बड़ी होती हैं और इनका स्टेटस जनरली इतना ज्यादा होता है कि आपको आराम से सप्लायर्स मिल जाते हैं, सप्लायर्स आपको जो है डिस्काउंट्स भी ज्यादा देते हैं और आपको बैंक से लोन्स भी आराम से मिल जाते हैं क्योंकि आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी वेल रिप्यूटेड है कि बैंक्स आपको लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लोन्स दे देते हैं। फिर देर इज पोटेंशियल टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गाइज आपको याद है हमने पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि जब आपके बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होने लग जाती है। देर आर मल्टीपल रीजंस, जिस तरह बैंक्स आपको सस्ते लोन्स देते हैं, सप्लायर्स आपको ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, आप बल्क बाइंग करते हो वगैरह वगैरह। तो क्योंकि बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो पोटेंशियल फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल्सो वेरी हाय। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि यार लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। जिस तरह आपको याद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ा था, तो ये चीजें फुलफिल करना, ये डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना एक बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है। उसके बाद अब गाइज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर एक मसला होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जनरली नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में लॉस ऑफ ओनरशिप नहीं होता बिकॉज आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर्स बेचते हो और ज्यादातर शेयर्स आप अपने पास रखते हो, आप मेजोरिटी शेयर होल्डर खुद ही होते हो। ठीक है, तो अब यह मसला ये आता है गाइज के जो आपके ओरिजिनल ओनर्स है ना, अगर वो बहुत ज्यादा शेयर्स बेचते हैं यानी मेजोरिटी शेयर्स बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो अगर कोई कंपनी ज्यादा शेयर्स खरीद ले आपकी कंपनी के, कोई और कंपनी फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग है वो एप्पल के ज्यादातर शेयर्स खरीद ले अगर, तो सैमसंग विल स्टार्ट टू ओन एप्पल। ठीक है, कंपनी ए फिर कंपनी बी को खरीद सकती है और जो ओरिजिनल ओनर्स होते हैं दे माइट लूज कंट्रोल। इसीलिए जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो वो पहले कहते हैं कि अच्छा यार आपको मेजोरिटी शेयर्स अपने पास रखने चाहिए,
सारे मार्केट में नहीं बेच देने चाहिए। जाहिर है मार्केट में शेयर्स बेचने से आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन यू माइट लूज द कंट्रोल ऑफ योर कंपनी एज वेल। देर इज लेस सीक्रेसी ओवर अकाउंट्स गाइज। हर कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनको पब्लिक करना पड़ता है एवरी ईयर, ठीक है। अब इसका मसला क्या होता है? इसका मसला ये है कि जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह, जितना भी फाइनेंशियल डेटा है वो सारा आपने पब्लिक के सामने रख दिया है, वो कंपेरेटर्स भी देख सकते हैं, उसके अलावा वो नए बिजनेसेस भी देख सकते हैं उन चीजों को, तो आपकी जो प्राइवेसी है सारी वो इन्वेड हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह गाइज, ये देखें, ये फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी है, ये उनके सारे अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह, ये देखो फाइनेंशियल डाटा उनका। 2023 में उन्होंने सेल्स की थी इतनी, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था इतना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है, ये इनकी रेशियोज आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब चीजें हम बिजनेस के अंदर भी पढ़ेंगे। फिर पे आउट, कितने पैसे के उन्होंने कितने दिए हैं शेयर होल्डर्स को। फिर ये उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन लोगों के सामने रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वार्टरली पे क्लिक करूं तो ये फातिमा फर्टिलाइजर्स की रिपोर्ट्स आ गई, इसके अंदर ये पेज नंबर 10 पे रेवेन्यू उनको इतना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट उनका इतना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इतना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इतना है, और ये सारी मिलियंस में वैल्यूज, ठीक हो क्या? ये सब डेटा अब हम सब देख सकते हैं। इस डेटा को देख के हम डिसाइड करते हैं, अच्छा यार हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये उनकी बैलेंस शीट आ गई, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल उनका इतना है, ये 3700 ये वाली वैल्यू, और इशूड शेयर्स वो इतने हैं 2100। देर इज पोटेंशियल फॉर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गाइस डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसलिए होता है बिकॉज आपकी कंपनी का साइज इतना बड़ा हो गया है कि आपकी कंपनी की कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट है, वो बढ़ने लग गई है। मिसमैनेजमेंट की वजह से, बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट होने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। बड़ी कंपनीज जब एक पॉइंट से ज्यादा उनका साइज बढ़ जाता है तो दे जनरली टेंड टू बिकम इनएफिशिएंट और उनकी एवरेज कॉस्ट वगैरह जो है वो बढ़ने लग जाती है। अच्छा जी गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। गाइज जब हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात की थी तो हमने यही कहा था कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फ्रेंड्स और फैमिली खुद ही होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई मसला नहीं होता ओनरशिप का, कोई कुछ भी नहीं होता, ऐसा स्ट्रेस नहीं होता जिंदगी में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं इनके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनके शेयर होल्डर्स कैन बी इन थाउजेंड्स, और जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनके मिलियंस में भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप हर शेयर होल्डर को बुलाओ और उसकी मशवरा लो, उससे उससे पूछो भाई हम कंपनी को कैसे रन करें। तो फिर इसके लिए उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला हुआ है वो ये है कि आप क्या करते हो, एजीएम रखते हो, जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम के ऊपर सब शेयर होल्डर्स इन्वाइटेड होते हैं, सारे आते तो नहीं है खैर, लेकिन जो लोग आते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। दे कैन वोट कि अच्छा यार हमने किस बंदे को बनाना है, कि सॉरी किस ग्रुप ऑफ पीपल को बनाना है डायरेक्टर्स। तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये बाद में कंपनी को फिर रन करते हैं। तो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं एजीएम पे। जब वोटिंग होती है तो उसके बाद डायरेक्टर्स डिसाइड होते हैं हु देन रन एंड कंट्रोल द कंपनी, ठीक हो गया। अच्छा शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना गाइस, इनको मिलता है डिविडेंड्स अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। जाहिर है आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो यू एक्सपेक्ट टू अर्न डिविडेंड्स। तो ये जो डिविडेंड्स होते हैं, दीज आर पेमेंट्स मेड टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जब प्रॉफिट्स में से टैक्सेस कट जाते हैं तो उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। दिस इज द रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, ठीक हो गया। एंड एजीएम की अगर हम बात करें तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक दफा करना लीगल रिक्वायरमेंट है इनकी, इनको करनी ही होती है साल में एक दफा, और शेयर होल्डर्स इसको अटेंड करते हैं और यहाँ पर वोटिंग करते हैं कि भाई किसको हमने बनाना है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द कमिंग ईयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि है फ्रेंचाइजिंग। गाइस फ्रेंचाइजिंग का बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, दो लोग होते हैं, एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी।
जो फ्रेंचाइजर होता है उस इंसान का ओरिजिनल बिजनेस होता है, उसने वो बिजनेस स्टार्ट किया होता है, उसके पास सारे ट्रेडमार्क्स, लोगोस, एवरीथिंग, ही हैज ऑल द बिजनेस टू हिमसेल्फ। अच्छा जी, अब जो फ्रेंचाइजी होता है, व्हाट ही डज इज वो बिजनेस से, फ्रेंचाइजर से, इस इंसान से लाइसेंस लेता है टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज अंडर हिज ब्रांड नेम। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सर साहब के पास मैकडोनल्ड्स है, सो एनी वन ऑफ यू कम्स अप एंड सेज कि सर हम एक मैकडोनल्ड्स की ब्रांच खोल के आपको देना चाहते हैं, तो वो आप ब्रांच खोलोगे, मैं आपको अलाउ करूंगा, अच्छा यार चलो ठीक है, ये मेरी लाइसेंस फी है, पे मी दिस फीस, मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि आप मैकडोनल्ड्स के ब्रांड नेम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हो। ये तो बहुत बहुत गुड हो गया। लेकिन अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, बहुत जरूरी गाइज। वो चीजें ये हैं कि जो फ्रेंचाइजी है, जो आप लोग हो, यू गाइज कैन नॉट ब्रिंग एनी इनोवेशन टू द बिजनेस, आप लोग बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यू गाइज हैव टू डू वट एवर आई टेल यू टू डू। जो उनसे प्रोडक्ट्स मैं कहूंगा आपने वही बेचने हैं, जिस तरह का मैं आपको डिजाइन बताऊंगा आपने फ्रेंचाइज उसी हिसाब से बनानी है, उसकी कलर स्कीम भी वही होनी चाहिए, लोगों का साइज, फॉन्ट, एवरीथिंग शुड बी एग्जैक्टली अप टू माई स्पेसिफिकेशंस, जो कि मैंने आपको बताई होंगी चीजें जैसे करनी है आपने, ठीक है? आप उसको सेटअप करोगे, आप उसको मैनेज करोगे, और यू विल मेक मनी ऑफ एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, आप उसका आउटलेट खुद खोल लोगे। इट इज बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ ब्रांड नेम्स, प्रमोशनल लोगोज एंड ट्रेड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस सच एज मैकडॉनल्ड्स। द फ्रेंचाइजी जो आप लोगों बाइज द लाइसेंस टू ऑपरेट द बिजनेस फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, मैकडॉनल्ड्स से खरीद रहे हो लाइसेंस टू ऑपरेट एन आउटलेट और अ ब्रांच। इसकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ बहुत जबरदस्त, मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, पिज्जा हट है, बास्किन रॉबिन्स है, वगैरह वगैरह। ये सब आप लोगों ने देखे, आप किसी भी मैकडॉनल्ड्स चले जाओ, उनकी कलर स्कीम भी सेम होती है, उनकी जिस तरह की ब्रांच बनी होती है वो भी बहुत सिमिलर होती है आपस में, अंदर जो स्टाफ है उसका यूनिफॉर्म भी सिमिलर होता है, स्टाफ का आपसे ग्रीट करने का तरीका भी बड़ा मिलता जुलता होता है, प्रोडक्ट भी एक ही होता है वहां पर, टेस्ट भी एक ही होता है वहां पर। तो दिस इज योर बेसिकली फ्रेंचाइजिंग मॉडल। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, पहले तो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द फ्रेंचाइजर, जो कि मैकडॉनल्ड्स खुद है द ब्रांड, ये साथ में आप लोगों को लिख देता हूँ, फ्रेंचाइजर द ब्रांड, ठीक है? फ्रेंचाइजर क्यों अपनी फ्रेंचाइज किसी को देना चाहेगा, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लेट्स डिस्कस दोज। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। जो फ्रेंचाइजी है वो आपसे लाइसेंस खरीदता है, आपको लाइसेंस के पैसे देता है, और ये लाइसेंसेज आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लाइसेंसेज। क्यों एक्सपेंसिव होते हैं? क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जब बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो उसके फेल होने के चांसेस कम है। अब आपका बिजनेस ग्रो भी कर रहे हैं, एक्सपेंड भी कर रहे हैं, और फेल भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसलिए आप इतनी महंगी लाइसेंस फी रखते हो, ताकि आपको भी तो उससे फायदा हो ना। आपके पास देखो, यू आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, आपकी अपनी एक्सपेंशन भी हो रही है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं अपने आप को एक्सपेंड करवाने के, तो आपको जो है पैसे लगाने नहीं पड़ रहे। एक बंदा खुद आपके पास आके कह रहा है, सर ये मैं आपको पैसे देता हूँ, मुझे बस अपने ब्रांड नेम की एक शॉप खोल लेने दें। देखो कितनी मौज हो गई ना, डबल मौज हो गई। अच्छा जी, फिर जो मैनेजमेंट है सारी फ्रेंचाइज की, उसके अंदर एम्प्लॉयज किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, उनको मैनेज करना है, जो भी उसका सारा ख्याल रखना है, उसका मेंटेनेंस है, वो सब कुछ फ्रेंचाइजी खुद करवाएगा जिसने वो ब्रांच बनवाई है आके, आपको वो टेंशन भी नहीं है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उस ब्रांच पे प्रोडक्ट्स बिकेंगे वो आपसे ही लेके जाएगा, यू आर द सप्लायर, वो किसी और से प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता, ओके? क्योंकि मतलब उसकी थोड़ी सी रीजंस होती हैं, वो रीजंस ये होती हैं कि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, टेस्ट मेंटेन करना होता है, वगैरह वगैरह, तो वो सब कुछ लेगा आपसे ही, यू आर द सप्लायर ऑफ दैट ब्रांच और दैट आउटलेट एज वेल, तो आप वहां की क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कपल ऑफ डिसएडवांटेजेस।
सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है गाइस कि क्यों, आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, आप जिस मर्जी ब्रांच में चले जाओ, वो आपस में उनका जो बिहेवियर होता है आपके साथ, वो सबका एक जैसा ही होता है। सब बड़े तरीके से मिलते हैं आपसे, बड़े प्यार से मिलते हैं आके। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो सारी कौन करवाता है? द ब्रांड। मैकडॉनल्ड्स का काम है सब एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, वो जिस मर्जी ब्रांच में हो। दैट इज देयर हेडेक। खाना कैसे बनाना है, कस्टमर से कैसे मिलना है, जगह को साफ सुथरा कैसे रखना है, कितनी शिफ्ट लगानी है, ये सब कुछ डिजाइन करके देगी आपको मेन ब्रांच। ट्रेनिंग के ऊपर जितने पैसे लगेंगे वो भी देंगी मेन मेन ब्रांच, फ्रेंचाइजर देगा आपको पैसे। दूसरा मसला, जो फ्रेंचाइज है उसकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है ना, ब्रांड की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है, वो फ्रेंचाइजर ने करनी है। Are you guys getting this point? All the advertisement has to be done by the franchisor. Advertisement expensive चीज है, तो वो आपको करनी पड़ेगी अपनी जेब से as the franchisor. And the last point is, अगर एक किसी भी ब्रांच में पोअर मैनेजमेंट हो रही है, या आपके ब्रांच के अंदर टेस्ट का फर्क आ गया है, या आपकी ब्रांच के अंदर किसी एम्प्लॉय ने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी कर दी है, कोई भी अगर मिसहैप हुआ है, तो उसका जो ब्लेम है वो पूरे बिजनेस की रेपुटेशन पे आता है। तो बिजनेस की रेपुटेशन एज अ होल जो है वो हर्ट होती है इस चीज से। तो थोड़ा सा रिस्की भी है, एक ब्रांच अगर बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है, अगर वो लोग ठीक तरह से कस्टमर्स से नहीं मिल रहे, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो उसका सारा इल्जाम मेन ब्रांड पे जाता है। लोग ये नहीं कहते कि यार हाँ वो जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज जिस बंदे ने ली है वो बंदा ठीक नहीं कर रहा, लोग कहते हैं मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच गंदी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी के परस्पेक्टिव से। गाइस जब हम फ्रेंचाइजी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इसको हम कहते हैं द बायर, तो पहला एडवांटेज ये है कि चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा कम हो गए। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि देखो ब्रांड तो ऑलरेडी चल रहा है, तो ब्रांड नेम इतना ज्यादा है, उसी के बेस पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना शुरू हो जाते हैं। आपको स्क्रैच से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी पड़ती, आपको शुरू से नहीं लोगों को बताना पड़ता कि अच्छा यार देखो हम ये बेच रहे हैं, हम बहुत अच्छा बेचते हैं। लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप ये आप एक बहुत बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज हो, और आप जो भी दे रहे हो वो स्टैंडर्ड की चीज है, क्वालिटी की चीज है, तो चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी लेस। उसके बाद जो फ्रेंचाइजर है उसने सारी एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे, मेन्यू अपडेट करने पे, इस तरह की चीजों पे आपको कोई टेंशन नहीं, वो सारा कुछ कर रहा है फ्रेंचाइजर, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम होगी। जितनी भी सप्लाईज हैं वो सारी आपको एक ही जगह से मिलनी है, और वो है फ्रेंचाइजर। आपने फ्रेंचाइजर को ऑर्डर देना है, उसने आपको सामान पहुंचा देना है। यू डोंट हैव टू कीप अप विद मल्टीपल सप्लायर्स, आपको डिफरेंट सप्लायर्स के साथ सरखपाई नहीं करनी पड़ती। आपने बस जो मेन ब्रांच है वहां पर बताना है, और आपके गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो जाएंगे। ठीक हो गया, मूविंग ऑन गाइज। इसके बाद जो बैंक से अगर आपने लोन लेना है, अपने जो शॉप को रेनोवेट करना है, एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, रेनोवेट करना है, कुछ भी करना है, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है। वो कैसे? आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को पता है कि अच्छा यार ये इतने बड़े रिप्यूटेड ब्रांड की एक वो फ्रेंचाइज है, तो मैं इनको लोन दे देता हूँ। तो बैंक आपको आराम सुकून से लोन दे देगा, क्योंकि चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आपका कम है ड्यू टू द ब्रांड नेम ऑफ द बिजनेस। लास्टली हम कहते हैं कि जो बिजनेस है ना, जो फ्रेंचाइजी है, जिस बंदे ने फ्रेंचाइज खरीदी है, उसको बहुत फायदा हो सकता है। वो फ्रेंचाइजर से बहुत कुछ सीख सकता है, ओरिजिनल बिजनेस से बहुत कुछ सीख सकता है, उसके जो सप्लायर्स का नेटवर्क है, जहां से वो सामान लेता है, जिनसे वो डीलिंग्स करता है, जिनसे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स रन करवाता है, आपको उनके बारे में पता लग जाता है कि अच्छा यार ये लोग कौन है, इस बंदे का नेटवर्क क्या है। मतलब कल को अगर आप अपना बिजनेस करो तो उसके लिए आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया होता है तब तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। गाइस जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती। ठीक है, आपने वही करना है जो आपको वो आपका फ्रेंचाइजर कह रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई नया बर्गर नहीं लेके आ सकते, आप अपनी मर्जी से कोई नया प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते। जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो डिपेंडेंट होंगे ऑन द फ्रेंचाइजर। तो जो फ्रेंचाइजर कहेगा सिर्फ वही होगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका लाइसेंस होता है, लाइसेंस फी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो करोड़ों में भी होती है।
तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय अ फ्रेंचाइज. एंड लास्टली आपको अपनी जो टर्नओवर आ रहा है, जो सेल्स टर्नओवर होता है, जितने सेल्स कर रहे हो उसका एक परसेंटेज देना पड़ता है फ्रेंचाइजर को एज रॉयल्टी फी. ब्रांड नेम यूज करते रहने की जो फी है वो आपको देनी पड़ती है, अपने शेयर्स में से पैसे देने पड़ते हैं उसको. तो ये हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रेंचाइजी. टू बी फेयर, अगर आपको अच्छा बिजनेस कोई मिल जाए ना जिसकी आपको फ्रेंचाइज मिल रही है, तो यू शुड बाय द फ्रेंचाइज. लेकिन पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि अच्छा बिजनेस है कि नहीं. अगर तो है तो फ्रेंचाइजिंग इज अ गुड बिजनेस इफ यू गेट अ फेयर डील. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गाइज, अगला तरीका है जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर क्या होता है गाइज? जॉइंट वेंचर वो होता है जब दो या दो से ज्यादा अनरिलेटेड सेपरेट बिजनेसेस आपस में आते हैं. दे कैन बी रिलेटेड वैसे, दे कम टुगेदर और वो एक नया बिजनेस बनाते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आते हैं वो बिजनेस के अंदर. ठीक है, दे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. वो अपना कैपिटल यानी अपनी टूल्स, अपनी मशीनरी को शेयर करते हैं, पैसे शेयर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं. ठीक है, अब वो कंपनीज दोनों अपनी अपनी जगह सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन दे कम टुगेदर फॉर दिस वन प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी ए है, ए कंपनी बी है, सेपरेट कंपनी है, ये दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट के लिए एक और कंपनी बनाएंगे, उसका नाम है कंपनी सी. तो अब दे आर ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन एज वेल, और उन्होंने एक और बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए दे हैव कम टुगेदर एंड उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को पूल इन कर दिया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि उनमें से कोई भी बंदा अकेला उस प्रोजेक्ट को नहीं था कर सकता. तो दे कम टुगेदर, दे पूल इन देयर रिसोर्सेज, देयर एक्सपर्टीज. कोई एक कंपनी एक चीज में अच्छी है, दूसरी कंपनी दूसरी चीज में अच्छी है, तो वो आपस में मिलते हैं एंड दे ट्राई टू मेक समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर. फॉर एग्जाम्पल गाइज, 2023 में होंडा एंड सोनी, इन दोनों ने आपस में एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर होंडा वाले अपनी इंजीनियरिंग लेके आ रहे थे और सोनी वाले अपनी एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट, इन चीजों को लेके आ रहे थे एंड उन्होंने मिलके एक गाड़ी बनाई. अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है कुछ जगह पे, मेरे ख्याल से उसका प्रोटोटाइप जो है वो सेल होना शुरू हो गया फॉर इनिशियल इंप्रेशंस. फिर एक और जॉइंट वेंचर है सोनी और एरिक्सन. सोनी एरिक्सन मोबाइल फोन से, सोनी जो एरिक्सन है बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और सोनी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है. तो इन्होंने आपस में मिलकर एक मोबाइल फोन बनाया. गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस. पहला एडवांटेज ये है कि देखो, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में अपने पैसे दोनों मिला लेते हैं, सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपस में पूल इन कर लेते हैं, ताकि एक कंपनी को बैंकरप्ट ना होना पड़े उस चक्कर के लिए. ठीक है, तो उस चक्कर में फिर दे पूल इन देयर रिसोर्सेज, दोनों मिलकर पैसे लगाते हैं. दूसरी बात, दोनों कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज इस्तेमाल करके उनसे एक नया प्रोजेक्ट बनाती हैं. वो एक्सपर्टीज एक दूसरे की इसलिए लेती हैं बिकॉज हो सकता है ऑन देयर ओन उनको वो सब चीजें शायद ना आती हों या उनके पास वो टेक्नोलॉजीज ना हो. उसके बाद जो फेलियर का रिस्क है वो शेयर हो जाता है, कि बेचारी एक कंपनी को नहीं सारा नुकसान उठाना पड़ता, दोनों को, दोनों का डिवाइड हो जाता है आपस में. लास्टली गाइस, कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज जॉइंट वेंचर करती हैं ताकि वो एक नई कंट्री में जा सकें. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो यूएस की है, वो पाकिस्तान में आना चाहती है, लेकिन उसको अगर पाकिस्तानी मार्केट का नहीं पता, तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि वो किसी लोकल कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर कर ले. और ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन का बहुत फेमस तरीका है कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप करते हो जो उस मुल्क में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो, ताकि जब आप उस कंट्री के अंदर जाओ तो आपके लिए कोई भी मार्केट बैरियर्स ना हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, एवरीथिंग कम्स इजी टू यू. ये फायदे होते हैं हमें जॉइंट वेंचर के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले गाइज, जो नया प्रोजेक्ट जो है, जो भी है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे पार्टनर के साथ. ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, बिजनेसेस के अंदर नो वन लाइक्स टू शेयर प्रॉफिट्स स्पेशली, तो ये एक मसला है. दूसरा, देर माइट बी डिसएग्रीमेंट्स कि क्या चीज किस तरह करनी है, और इम्पोर्टेंट डिसीजंस के ऊपर आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं. एक कंपनी कह रही है जी आई वॉन्ट टू
हायर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर द कंपनी, दूसरी कह रही नहीं भाई चाइल्ड लेबर नहीं करवाना हमने. सही है, तो इस तरह देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स. एंड उसके बाद जो पार्टनर्स होते हैं कभी कभी दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ रनिंग अ बिजनेस. आगे जब हम जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कि जो हमारे पास लीडरशिप के तरीके होते हैं, देर आर डिफरेंट वेज इन जिस तरह जिसमें आप कंपनी को रन करते हो, जिस तरह आप कंपनी को लीड करते हो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर. अब होता क्या है, हो सकता है एक पार्टनर जो है वो ऑटोक्रेटिक में बिलीव करता हो, एक पार्टनर लेजिस फेयर में बिलीव करता हो, और दोनों को समझ ही ना आए कि अच्छा यार कौन किसकी बात माने, कैसे लेके चलें चीजों को. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके पार्टनर्स का आपस में कल्चर ही ना मैच करें और आपको फिर अपना जो जॉइंट वेंचर है उसको खत्म करना पड़ जाए. गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि दीज आर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द कंपनीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट इसके अंदर हमें पब्लिक सर्विसेज ऑफर करती है, हमें मेरिट गुड्स ऑफर करती है, हमें पब्लिक गुड्स ऑफर करती है, सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फायर डिपार्टमेंट्स, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सब वो चीजें हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को इन चीजों को प्रोवाइड करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं नजर आता. ऐसा क्यों होता है गाइज? हम ये कहते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस. अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल टैक्स नहीं पे करता, या आप लोग अभी बच्चे हो, आप टैक्स नहीं पे करते, ठीक है, फिर भी आप लोग अगर रात के टाइम सड़क पर जा रहे हो तो आप लोग स्ट्रीट लाइट की लाइट तो इस्तेमाल करते हो ना. सिमिलरली आप लोग जो आपका डिफेंस सिस्टम है वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर आगे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, फायर ब्रिगेड है, आपकी जो आर्मी है, ये सब चीजें. ओके, बट नॉट एवरी वन इज पेइंग फॉर दिस. और प्राइवेट सेक्टर तो हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर कहते हैं जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं आप लोगों को सर्विस नहीं प्रोवाइड करूंगा या प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करूंगा. ठीक हो क्या? तो ये है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के मेन एम. मेन एम उनका होता है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, और वो ये चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज दे डोंट सी द प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड इट. पब्लिक कॉरपोरेशंस, गाइस, पब्लिक कॉरपोरेशंस वो बिजनेसेस होते हैं विच कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट या स्टेट. अब जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है, वो इसके लिए अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट. इन्होंने जो जो भी गवर्नमेंट ने पहले से इनको गाइडलाइंस दिए होते हैं ना, और जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं उनके ऊपर ये लोग उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. ठीक हो क्या? अच्छा, ये बिजनेसेस आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह हमने ऊपर अभी बात की, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फायर ब्रिगेड सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, वो सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करते हैं. पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स भी यही लोग प्रोवाइड करते हैं. पब्लिक गुड्स तो प्राइवेट सेक्टर देता ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, और जो मेरिट गुड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर कभी कभी दे देता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर मेक्स श्योर कि वो जो सर्विसेज हैं, जिस तरह एजुकेशन है, अब आपका एजुकेशन ISL में भी मिल रही है, आपको एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स में भी मिल रही है, दोनों मेरिट गुड्स हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज चार्जिंग फॉर इट, और पब्लिक सेक्टर के अंदर फीस बहुत कम होती है ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके. सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं. अच्छा, अब होता क्या है गाइस, कुछ इंडस्ट्रीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि यार हमें ही ये रखनी चाहिए. उसके अंदर आ जाती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी वाटर सप्लाई, गैस की सप्लाई और बाकी जो यूटिलिटीज होती हैं, बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनके अंदर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप एडवर्टाइजमेंट में और कॉम्पिटिशन के अंदर रिसोर्सेज को वेस्ट करो. दूसरी बात गाइज इसमें ये आ जाती है, जो मोनोपोलीज प्राइवेट सेक्टर, अच्छा मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल बिजनेस, अ सिंगल फर्म जो सारी इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. अब अगर गाइज मोनोपोली आ जाए ना प्राइवेट सेक्टर के पास, ये बात याद रखिएगा, गोल्डन रूल है, अगर मोनोपोली आ जाए प्राइवेट सेक्टर के पास तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स फिर जो है कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. इसीलिए अगर मोनोपोली गवर्नमेंट के पास हो तो वो अच्छी चीज है, बिकॉज गवर्नमेंट फिर कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं होने देती. अगर प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई मोनोपोली तो वो तो जितनी मर्जी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, उनको कौन रोकेगा. लेकिन इसीलिए फिर गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज की मोनोपोली बनाती है, जिस तरह पाकिस्तान में वापडा है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुई गैस है जो गैस प्रोवाइड करता है,
सिमिलरली जो वाटर सप्लाई है, ये सब चीजें एक ही इदारे के पास है, सिंगल फर्म विच इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स. तो अब इसमें होगा क्या, इसमें होता क्या है कि वेस्ट नहीं होती चीजें, कस्टमर्स एक्सप्लॉइट नहीं होते प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों. तो दैट इज वाई इनको हम कहते हैं नेचुरल मोनोपोलीज. ये तभी अच्छी होती हैं जब ये गवर्नमेंट्स के पास होती हैं. मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली इज के मोनो, MONO, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल फर्म हु इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, ए की पाकिस्तान में कंपनी है वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. ओके, एक ही इंडस्ट्री है सुई गैस जो सारे पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करती है. द नेक्स्ट एडवांटेज इज, कभी कभी गाइस क्या होता है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है, जो लॉसेस में जा रही है, जो फेल होने लगी है, तो गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर लेती है. नेशनलाइज करने का मतलब गवर्नमेंट उस बिजनेस को खरीद लेती है. जब गवर्नमेंट उस बिजनेस को खरीद लेती है तो बेशक वो लॉसेस में हो, बेशक वो डिक्लाइन कर रहा हो, गवर्नमेंट उसके अंदर फंड्स इंजेक्ट करती है ताकि वो बिजनेस बंद ना हो, ताकि वो लोग बेरोजगार ना हो जाएं जो उस बिजनेस में एम्प्लॉयड है. Are you guys getting my point? तो फिर गवर्नमेंट इस तरह हेल्प करती है जो बिजनेसेस इंपॉर्टेंट हो बट फेल हो रहे हो या कोलैप्स करने वाले हो. आफ्टर दिस वी से कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं होते. इसकी एग्जांपल है मेट्रो बस. गाइस, मेट्रो बस जो है एक सर्विस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है विच इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोग उसमें, जो बेचारे लोग गाड़ियां नहीं अफोर्ड करते, वो एक जगह, एक लाहौर के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा सकते हैं इन जस्ट 60 रुपीज. ठीक है, तो अब ये प्रॉफिटेबल नहीं है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, लोगों को बहुत फायदा होता है इससे. तो गवर्नमेंट इस तरह की सर्विसेज विच आर नॉट प्रॉफिटेबल बट विच आर प्रोवाइडिंग पीपल विद वेलफेयर, उनको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट इस तरह के बिजनेसेस को चलाती रहती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. गाइस, आज वो डिसएडवांटेजेस की बात करें. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो एफिशिएंसी गिर जाती है. आपने जो है ना डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स की हुई है, जहाँ पर एक वर्कर की जरूरत है वहाँ पे दो दो तीन तीन वर्कर्स हायर किए हुए हैं. जो मैनेजर्स हैं वो सुस्त हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजर्स को पता है कि अच्छा यार अगर बिजनेस को लॉस भी होगा तो गवर्नमेंट हमें पैसे दे देगी, गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज दे देगी और हमें नुकसान नहीं होगा. ठीक है, तो मैनेजर्स बिकम कम्प्लेसेंट, इनएफिशिएंट एंड दे स्टार्ट टू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट. वो कहते हैं हाँ बस गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कर लेगी पूरी. दूसरा मसला, इसमें जो है कस्टमर की चॉइस के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रही है, सबके लिए सेम प्रोडक्ट्स बना रही है. जो बंदा अमीर है उसके लिए भी वही प्रोडक्ट बन रहा है जो उसके लिए बन रहा है जो गरीब है. तो देयर इज नो वेरिएशन इन क्वालिटी, सबके लिए सिमिलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है, वैरायटी खत्म हो जाती है, बिकॉज अब आप इंडिविजुअल नीड्स को तो कैटर कर नहीं सकते, आप तो पूरी इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो. एंड लास्टली, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट्स इन कंपनीज को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करती हैं. ठीक है, कि जिस तरह जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आप और कोई कंपनी को जो है नेशनलाइज कर दो, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट कर दो. ठीक है, और अपने पर्सनल गेन के लिए गवर्नमेंट कंपनीज को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो फेमस हो जाए. तो अब वो कंपनी वाकई में आपको फायदा दे रही है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन दीज कंपनीज एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्राइवेट मोटिव्स ऑफ पॉलिटिशियंस. तो वो अपना फायदा उसमें देख के कर लेते हैं काम. देर आर अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एज वेल. गाइस, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना, ये तो हमने कहा कि अच्छा यार मेन गवर्नमेंट बॉडीज को अटेंड कर रही है, लेकिन देर आर लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं. तो अब होता क्या है कि वो भी यूजली कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होते हैं. कुछ उनके एक्टिविटीज ऐसी होती हैं विच आर फ्री फॉर एवरीवन, जिसके लिए टैक्सेस में से पैसे जाते हैं. ठीक है, लोकल टैक्सेस जो इकट्ठे होते हैं उनमें से पैसे जाते हैं इन सर्विसेज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक गुड्स की बात की थी, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह. और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके लिए आप चार्ज करते हो और कोशिश करते हो कि अच्छा यार ब्रेक इवन हो जाए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, थिएटर्स हो गए वगैरह वगैरह. अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आप कोशिश तो करते हो कि यार ब्रेक इवन हो जाए, ब्रेक इवन का मतलब
प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन लॉस भी ना हो, जितनी आपकी कॉस्ट है आपके पास रेवेन्यू भी उतना ही आए। अगर इनका कॉस्ट ना कवर हो रहा हो तो फिर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे देती है, वही वाली बात जो हमने ऊपर बात की थी ना कि मैनेजर्स बिकम कंप्लेसेंट। तो अब हो क्या रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इज, अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो टैक्सेस वगैरह इन चीजों पे जा रहे हैं जिसका हमें को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम प्राइवेटाइज्ड, प्राइवेट लोगों को बेचनी शुरू करनी गवर्नमेंट ने ये चीजें कि भाई आप जाओ इनका ख्याल आप खुद ही रखो। फॉर एग्जाम्पल पीटीसीएल, पीटीसीएल प्राइवेटाइज हो गया था, अब पीआईए भी प्राइवेटाइज होने वाला है अनक्रीम, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस तरह की जो सर्विसेज है ना सारी, वो उनका ख्याल आप खुद रखो, क्योंकि इस तरह टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे ऊपर, और बाकी हम लोग जो हैं फिर वी विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग गुड्स जो लोगों को वाकई जिनकी जरूरत है, जो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो गाइज विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड।